डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम इंडियन लॉजिकल के अंदर प्रमाण करने वाले हैं और इसमें काफी तरह की टर्म्स हम करेंगे, जैसे प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, शेषावत और काफ़ी तरह की टर्म्स है दोस्तों जो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर आती है। और इसके साथ साथ एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हम करने वाले हैं, 2020 में इंडियन लॉजिकल से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हैं, आज जो ये हम टॉपिक करने वाले हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं 2020 में सभी शिफ्ट के अंदर, वो आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको थ्योरी करवाएंगे और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। दोस्तों आप में काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होगा इस टॉपिक को लेके और ये टॉपिक आपको थोड़ा सा टिपिकल लगता होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये आज की वीडियो देखते तो बिल्कुल आसानी से प्रमाण का ये पूरा का पूरा टॉपिक आसानी से कवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स क्योंकि निमिजिनेट है तो जीआरएफ है। तो चलिए दोस्तों हम थ्योरी करते हैं इसके अंदर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमाण की, प्रमाण क्या होता है। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी दोस्तों, भारतीय दर्शन क्या है, और उसके अंदर हमने काफ़ी तरह के टॉपिक किए थे, आस्तिक नास्तिक किए थे और उसके अंदर काफ़ी तरह की टर्म्स थी, और हमने किए थे इंडियन फिलोसफिकल स्कूल थे वो भी हमने किए थे, तो वो चीज़ें आप कर लेना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी हमने आपको बताई है, सारा टॉपिक अच्छे से करवाया हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। तो उसमें हमने बात की थी, प्रमाण की बात की थी, वहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया था हमने प्रमाण के बारे में। अब हम इसके अंदर पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। देखिए प्रमाण हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय दर्शन में प्रमाण उसे कहते हैं जो सत्य ज्ञान कराने में सहायता करे, यानी कि जो हमें सच जानने के लिए सहायता करे उसको हम क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। अर्थात वह बात जिससे किसी दूसरी बात का यथार्थ ज्ञान हो, यानी कि जिसके द्वारा हमें कोई दूसरी बात पता चले, उसके सच के बारे में पता चले। प्रमाण न्याय का मुख्य विषय है। ये देखिए जो प्रमाण है वो किसका विषय है दोस्तों, न्याय का मुख्य विषय है। न्याय हमने कल किया था दोस्तों और उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये भी मैंने आपको कल दिखाए थे। प्रमाण नाम है यथार्थ ज्ञान का, यथार्थ ज्ञान जो हमें सही तरीके से ज्ञान हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, प्रमाण उसको हम बोलेंगे। यथार्थ ज्ञान का जो करण हो, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं। ये वही बात आ गई ना कि जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रमाण कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन आए वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गौतम ने चार प्रमाण माने, गौतम ने चार प्रमाण कौन कौन से माने, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार माने हैं। और इसके अलावा और जो भी हमारे प्रमाण उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए आगे हम बात करते हैं, प्रत्यक्ष द्वारा जिस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो रहा हो और उसको हम संकेत के द्वारा उसके अस्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं संकेत के द्वारा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे अनुमान कहेंगे। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे, अनुमान प्रमाण में पांच खंड है जिसे हम अवयव कहते हैं। अनुमान के अंदर कौन कौन से है दोस्तों, प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, उपन्यय है, जो वाक्य बतलाए हुए चिन्ह या लिंग का होना प्रकट करे, और फिर है दोस्तों निगमन है। इन सभी टर्म्स के बारे में दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और बाद में क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। अब देखिए इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आग है तो जहां पे आग हो वो क्या होगी दोस्तों, वो होगी प्रतिज्ञा होगी, यानी कि यहाँ पे आग है तो ये क्या होगी, प्रतिज्ञा, क्योंकि यहाँ धुआं है, यहाँ पे आग क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे धुआं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेतु। हेतु यानी कि इन्होंने कारण दिया, कोई चीज दी है कि क्योंकि यहाँ पे धुआं है, तो वो क्या हो गया, हमारा हेतु है। आगे हम बात करते हैं, जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां आग रहती है, जैसे रसोई घर में, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमने क्या है कि एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लिया कि जहां जहां पे धुआं रहेगा ना वहां वहां पे आग रहेगी, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे उदाहरण मानेंगे। यहाँ पर धुआं है यानी कि यहाँ पे धुआं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उपनय हुआ। यानी कि जो हमने उदाहरण दिया था उस उदाहरण को हमने कहीं पे अप्लाई किया और हमें पता चला कि यहाँ पे धुआं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपनय कहेंगे। इसके लिए आगे है, इसलिए यहाँ पर आग है, यानी कि यहाँ पर धुआं है, ये क्या हो गया, उपनय हो गया, और इसलिए आग है, रिजल्ट निकाल दिया कि यहाँ पे आग है, तो वो क्या हो गया, हमारा निगमन हो गया, यानी कि हमारा रिजल्ट वहां से आ गया। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। साधारणतः इन पांच अवयवों से युक्त वाक्य को न्याय कहते हैं, जिसके अंदर ये सभी, इस वाक्य, जिस वाक्य के अंदर ये सभी के सभी पांचों चीजें इंक्लूड हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम न्याय कहेंगे। तो इन पांच अवयवों से युक्त प्रमाण को अनुमान प्रमाण कहते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, जैसे ये चीज मैंने आपको कल भी करवाई थी कि भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ये हमने स्कूल किए थे, अलग अलग स्कूल थे हमारे, इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड और अलग अलग फिलोसफी से रिलेटेड ये सभी हमने किए थे। अगर आप दोबारा से देखना चाहो तो इन सभी को आप दोबारा से देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो हमारे एग्जाम के अंदर आई हुई है। चार्वक के अंदर दोस्तों इन्होंने क्या माना था, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही इन्होंने माना था, अनुमान को इन्होंने नहीं माना था, ये अनुमान पे विश्वास नहीं करते। और इन सभी स्कूल के बारे में दोस्तों मैंने कल की जो वीडियो थी उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप वही वीडियो देखे, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। और उसमें भी मैंने 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आपको दिखाए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन वो किया हुआ है। तो ये चीज आप ध्यान में रख लेना, बौद्ध के अंदर क्या क्या प्रमाण थे, हमारे प्रत्यक्ष था, अनुमान था, और एक क्या था, अपोह था। अपोह वो अलग चीज है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर किन किन को इंक्लूड किया जाता है, किसको शामिल नहीं किया जाता, इस तरह के क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, तो आप वो देख लेना। ये सभी के सभी आप देख लेना, किस धर्म के अंदर, किस संप्रदाय के अंदर कौन सा प्रमाण इंक्लूड है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, प्रमाण के मुख्य रूप से निम्न प्रकार है, जो हमारे प्रमाण है ना, ऊपर तो हमने क्या है कि ये थोड़ी बेसिक चीजें की थी, और अब हम इसके मुख्य रूप से जो टाइप है वो हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों हमारा है प्रत्यक्ष, जिसको हम डायरेक्ट रूप से देख सकते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, परसेप्शन इसको हम बोलेंगे। उसके बाद में हमारे पास अनुमान, इन्फ्रेंस इसको बोलेंगे। ये सभी सभी के सभी अभी हम करने वाले, विद डिटेल बिल्कुल आसानी से आपको करवाने वाला हूं मैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार इसको, पहले है प्रत्यक्ष, फिर है अनुमान, फिर है उपमान, फिर है हमारे पास शब्द, उसके बाद है अर्थापत्ति, और उसके बाद है अनुपलब्धि। अब इनके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर एक पे आता है दोस्तों प्रत्यक्ष आता है, और आप इसको इंग्लिश में भी देख लेना ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। प्रत्यक्ष को हम परसेप्शन कहते हैं, और प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनमें से आत्मा, मन और इंद्रिया, इंद्रिय का संयोग रूप जो ज्ञान का कारण है, प्रमाण है, वही प्रत्यक्ष है। देखिए इसको मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, यानी कि सेंस के द्वारा, छू के, देख के, सुन के, किसी चीज को महसूस करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने कोई चीज होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। यानी कि जो हमारे सामने बिल्कुल डायरेक्ट हो, डायरेक्ट हम किसी चीज को सूंघ सकते हैं। और अगर कोई आदमी ये कहे कि यहाँ पे ना भाई, यहाँ पे कुछ दारू पड़ी है, वहां पे ये कहे कि शराब पड़ी है, ठीक है, एक तो वो केवल व्यक्ति कह रहा है, वो कहने से उसकी बात झूठ भी हो सकती है, सच भी हो सकती है। लेकिन अगर हमें वहां पे स्मेल आए, दारू की स्मेल आए, तो हमें प्रत्यक्ष पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे रियल में शराब पड़ी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण इसको हम कहेंगे। और आगे हम बात करते हैं, गौतम ने न्याय सूत्र में कहा है कि इंद्रियों के द्वारा किसी पदार्थ का जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष होता है, हमारी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यदि हमें सामने आग जलती हुई दिखाई दे अथवा हम उसके ताप का अनुभव करें, तो यह क्या है, हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है।
है, आग जल रही है, हमें दिख रहा है, हो सकता है वहां पे एलईडी स्क्रीन लगी हुई हो, लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रमाण कब होगी? जब हम उसके पास जाएंगे और हमें गर्माहट महसूस होगी, तभी हमें पता चलेगा ना कि वो रियल में आग वहां पे जल रही है। लेकिन हमें बहकाया भी जा सकता है एलईडी स्क्रीन लगा के, लेकिन एलईडी स्क्रीन लग रही है, हमें लग रहा है कि वहां पे आग जल रही है, लेकिन रियल में वहां पे आग नहीं जल रही। लेकिन जब हम उसके पास जाएंगे, हम गर्माहट महसूस करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई हुई है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए निमीज नेट, उसके अंदर आपको सभी स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, और 2012 से लेके 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हमने अलग अलग किए हुए टॉपिक वाइज, ठीक है? तो आप ये अच्छे से स्टडी करना चाहें तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, परसेप्शन जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको हम दो भागों में कौन कौन से में डिवाइड कर सकते हैं? एक है ऑर्डिनरी, इसको हिंदी में कहते हैं लौकिक कहते हैं। आप ये ध्यान में रखिए, ये सभी के सभी ध्यान आप नाम ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर नाम चेंज करके वो दे देते हैं हर बार, तो आप इनको ध्यान में रखना। इसको ऑर्डिनरी भी कहते हैं, लौकिक भी कहते हैं, आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं लौकिक, या फिर साधारण भी इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए, जो लौकिक है हमारा, ऑर्डिनरी है, उसके सिक्स टाइप है। अब देखिए यहाँ पे एक आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता देता हूँ। देखिए अब देखिए, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, ठीक है? और प्रमाण के कितने प्रकार है? प्रमाण के इन्होंने 6 टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं। और अब देखिए, प्रमाण के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है? प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। अब प्रत्यक्ष के अंदर 2 टाइप आ गए हमारे, प्रत्यक्ष के कितने? 2 टाइप आ गए। एक आ गया हमारा लौकिक और एक आ गया अलौकिक हमारा आ गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे एक आ गया ये लौकिक आ गया, ठीक है? और जो दूसरा आएगा हमारा, दूसरा आएगा अलौकिक हमारा आएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने बात की थी कि जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के 2 टाइप है, ठीक है? लौकिक और अलौकिक। अब जो ये 2 टाइप है ना, लौकिक और अलौकिक, इनके भी टाइप है, समझे? इनके भी टाइप है, ठीक है? तो इनको हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। और आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ, और जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी ना, वही चीज़ मैं आपको बता दूंगा, और ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जो हमारा लौकिक है, लौकिक जैसे हमने बात की थी कि जो चीज़ हमारे सामने हो, हमारी सेंस के थ्रू हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर क्या है? देखिए, नंबर एक पे आते हैं विजुअल परसेप्शन, यानी कि जिससे हम अपनी आंखों के द्वारा देख के किसी चीज़ के होने या ना होने का आंसर निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? विजुअल परसेप्शन कहेंगे, या चाक्षुक प्रत्यक्ष उसको हम कहेंगे। दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना। इनमें से क्वेश्चन आ चुका है, ये हमारे जो 6 टाइप है, 6-7 टाइप जो है, इनमें से क्वेश्चन आ चुका है। ये हमारे 6 टाइप है, इनमें से क्वेश्चन आए, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो का पूरा देखना दोस्तों, अंत तक देखना, मैं सभी क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ विद प्रूफ। अब ये देखिए, सबसे पहले विजुअल परसेप्शन, यानी कि जिसको हम देख के किसी चीज के होने या ना होने का पता लगाए। उसके बाद में है ऑल्फैक्टरी, इसके अंदर हम क्या करते हैं? किसी चीज को सूंघ के उसके होने या ना होने का पता लगाते हैं। परसेप्शन बाय द नॉइज, यानी कि जिसे हम नाक के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। आगे है ऑडिटरी, इसके अंदर क्या होता है? परसेप्शन बाय द ईयर, यानी कि सुन के किसी चीज के होने या ना होने का पता करते हैं। उसके बाद में है टेक्टाइल, टेक्टाइल के अंदर क्या होता है? स्पर्श द्वारा किसी चीज को छू के हम देखते हैं, जैसे पानी है, पानी अब हमें पता नहीं है कि वो गर्म है या कैसा है, उसके अंदर हम हाथ डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पानी तो यार बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है। अब देखिए, पानी है नॉर्मल, वो हमें ऐसे लग सकता है कि ये हाँ नॉर्मल पानी है, लेकिन हाथ डालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कितना ज्यादा वो ठंडा है, कितना वो गर्म है। और उसके बाद में हम बात करते हैं गैस्चरी, गैस्चर के द्वारा, सॉरी गैस्टरी, इसके अंदर रसायन प्रत्यक्ष, जैसे फल खाने पर जान पड़ता कि वह मीठा या खट्टा है। अब देखिए, हमारे संतरे होते हैं, ठीक है? संतरे, कई संतरे तो बहुत मीठे होते हैं, खाने में मजा आता है, लेकिन कई संतरे तो
ऐसे होता ना काफी खट्टे होते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा, वो हमें खाने से ही पता चलेगा। और हुआ है ना आपके साथ ऐसा, हुआ है ना कि कई बार आपने फल खाया होगा और संतरा खाया होगा, वो बहुत ही खट्टा निकला है, पूरा मूड खराब हो गया होगा। किसके साथ ऐसा हुआ है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर 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 बताना हमें, ताकि थोड़ा मजा आ सके। और आगे हम बात करते हैं मेंटल अवेयरनेस, यानी कि मानस प्रत्यक्ष, जैसे सुख दुख दया आदि का अनुभव करना, यानी कि कोई व्यक्ति दुखी लग रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको ठेस पहुंची है, तो इसके द्वारा हम किसी चीज का पता लगाते हैं तो उसे मेंटल अवेयरनेस कहते हैं। तो ये सारे 6 हैं, आपने बहुत ज्यादा डिटेल में इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। और चलिए हाँ, इसमें ही हमने इंक्लूड किया है, देखिए 12 नवंबर 2020 का पेपर है ये, और इसके अंदर किस तरह से हमारा क्वेश्चन आया था, भारतीय शास्त्रीय तर्क शास्त्र संप्रदाय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है, कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है, यानी कि जिसके अंदर हम सेंस की बात नहीं करते, कौन सा है इसके अंदर, वो हमें देखना। मनस, मनस की अभी हम बात करते हैं, करके आए ना जो मानस, ये देखिए मानस प्रत्यक्ष ये आ गया ना नंबर 6 वाला मानस, यानी कि मेंटल अवेयरनेस की बात करते हैं, ये तो इसके बिल्कुल राइट है। इसने क्या क्या कहा है कि कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। आगे हम देखें चक्षु, चक्षु यानी कि जो हमारे चक्षु क्या होते हैं, चक्षु हमारे होते हैं आंख जो होती है, आंखों के द्वारा, ये जो शब्द है ना दोस्तों ये हमारे संस्कृत के शब्द है। आगे है स्रोत, स्रोत यानी कि जिससे हम सुन के करते हैं किसी चीज से। तो अब ये देखिए सह विकल्प, ये हमारा अलग है दोस्तों, इसके बारे में हमने बात नहीं की थी, इसके बारे में बात नहीं की थी ना, ये देखिए सह विकल्प इसके अंदर कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस तरह से आप एक एक टॉपिक को विद क्वेश्चन करके देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, तो दोस्तों आपका नेट तो क्या, आपका JRF भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि आप हमारे नोट्स ले लीजिए, अच्छे से स्टडी हो जाएगी आपकी भाइयों बहनों। चलिए आगे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलौकिक, अलौकिक के बारे में हम बात करते हैं। और परसेप्शन है वो 3 टाइप, इसके अंदर क्या है, अलौकिक के अंदर 3 टाइप हो सकते हैं, लौकिक के अंदर हमने 6 टाइप किए थे, और इसके अंदर अलौकिक के अंदर हम 3 टाइप करने वाले हैं। देखिए अलौकिक, अलौकिक के अंदर क्या होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष दूरस्थ या अविद्यमान पदार्थ को भी ग्रहण करता है, यानी कि जो चीज हमसे दूर है उसको भी हम उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे सामने नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, तीन तरह की चीजों की बात करते हैं हम, अलौकिक निष्कर्ष में 3 तरह की चीजें आती है, एक होता है सामान्य लक्षण, एक होता है ज्ञान लक्षण, तीसरा होता है योगज होता है। अब देखिए इसमें नंबर 1 पे बात करते हैं हम सामान्य लक्षण की बात करते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है दोस्तों इसके अंदर हमें किसी चीज के बारे में पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होती है और उसी से हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ज्ञात सामान्य या सामान्य ज्ञान को सामान्य लक्षण निष्कर्ष कहा जाता है। इसके अंदर हमें जैसे मान के चलिए कहीं पे कीचड़ हो गया है, ठीक है, हम ये सोचते भाई कीचड़ तो बारिश की वजह से हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे हम उसका आंसर निकाल देते हैं भाई हाँ यहाँ पे बारिश हुई हुई होगी, लेकिन हो सकता है ऊपर से किसी ने फवारा चला दी, उस पूरी गली के अंदर फवारा चला दिया हो, ठीक है, और इवनिंग का टाइम हो, हमें ऐसा लगे कि यार यहाँ पे बारिश हो सकती है, तो हमें कुछ चीजों का ज्ञान होता है और उसी के द्वारा हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, और वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ऊट पटांग आपको नजर आएगा, क्योंकि इसके अंदर काफी बहुत ही ज्यादा डिटेल में हिंदी भाषा का यूज किया गया है, तो आप इसमें ऐसे ही समझ लीजिए जहां पे हमें किसी चीज का सामान्य ज्ञान हो और उसी के द्वारा कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश करे तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य लक्षण उसको हम कहेंगे। आगे हम कहते हैं ज्ञान लक्षण कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, व्हेन व्हेन वन सेंस ऑर्गन कैन आल्सो परसीविंग क्वालिटी नॉट एट्रीब्यूटेबल टू इट एज व्हेन सीइंग ए चिल वन नाउ नाउन दैट इट वुड बी बेटर और हॉट। इसके अंदर क्या होता है ज्ञान लक्षण, ज्ञान लक्षण का मतलब क्या है कि जैसे कोई चीज है उसको देख के हमने उसका आंसर निकालने की कोशिश की है, उसका हमें ज्ञान था, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना कि ज्ञान लक्षण, जैसे हमने मिर्च ली, ठीक है, मिर्च को देख के हमने कहा भी ये ना बहुत ही ज्यादा
तीखी हो सकती है, तीखी होगी यार ये मिर्च। और जैसे लाल मिर्च हमने ले ली, लाल मिर्च को देख के हम कहेंगे ओ हो ये तो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो वहां पे हमने आंसर जो निकाला वो कहाँ से निकाला? ज्ञान लक्षण से निकाला, क्योंकि हमें उसके बारे में ज्ञान था पहले से, उसके बारे में हमें नॉलेज थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे? ज्ञान लक्षण इसको हम बोलेंगे। आगे हमारे पास योगज है। योगज का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एग्जाम के अंदर। व्हेन सर्टेन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द पावर ऑफ योगा कैन परस्यू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड हैव सुपर नेचुरल एबिलिटीज आइदर कंप्लीट और सम। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हम योगा के द्वारा हम आत्मा का अनुभव करते हैं। योगा के द्वारा जैसे मेडिटेशन करते हैं हमें बहुत अच्छा फील होता है। योगा के द्वारा हम अपने आप में बदलाव लेके आने की कोशिश करते हैं। योगा के द्वारा अपनी सेंस के द्वारा किसी चीज के होने या ना होने का पता करते हैं। हम भगवान को महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे क्या होगा? योगज होगा। ठीक है, योगज होगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये तीन चीज हमने की अलौकिक के अंदर की, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको बार बार कह रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे हम बात करते हैं कि देर आर टू मॉडल और स्टेप इन परसेप्शन। प्रत्यक्ष के में दो तरीके या चरण होते हैं, प्रत्यक्ष में दो तरीके या चरण है। ये हमारे लिए करना क्यों जरूरी है? अब देखिए, अभी हम प्रत्यक्ष पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? अभी हम प्रत्यक्ष को ही लेके चल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हमारे प्रमाण के छह भाग है ना, छह भाग में से अभी भैया प्रत्यक्ष ही चल रहा है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? प्रत्यक्ष चल रहा है। तो ये सभी मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि यार इनमें से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आपको फालतू की चीजें बताऊं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, दो प्रत्यक्ष के दो तरीके चरण क्या क्या हो सकते हैं। नंबर एक पे है निर्विकल्प, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, निर्विकल्प। वेन वन जस्ट परस्यू एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग एबल टू नो इट्स फ्यूचर, यानी कि जिसके अंदर हम उसके फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हम उसको रिसीव कर लेते, उसको एक्सेप्ट कर लेते। निर्विकल्प यानी कि उसके विकल्प के बारे में हमें नहीं पता, उसके अलग अलग फीचर क्या है, उसके क्या क्या फंक्शन है, उसके बारे में हमें नहीं पता, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, इस प्रत्यक्ष में वस्तु के स्वरूप मात्र का भान होता है, उसका स्वरूप कैसा है वो हमें पता होता है बस, उसकी विषय भूत में परस्पर संबंध का ज्ञान नहीं होता। अतः इस प्रत्यक्ष की विशेषता विशेषणता, हे भगवान, काफी उठपटांग शब्दाने शुरू हो गए। अब इसको आप ऐसे ही समझिए कि जिसके जिसके फीचर वगैरह के हम के बारे में हमें नहीं पता, उसके गुण लक्षण वगैरह नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? निर्विकल्प हम उसको कहेंगे। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, वो मैं आपको बताऊंगा। आगे हम बात करते हैं सह विकल्प की, बात करते हैं जिसके अंदर सभी विकल्प हो, सभी ऑप्शन हो। व्हेन एन व्हेन वन इज एबल टू क्लियरली नोन एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यह प्रत्यक्ष विशिष्टा ग्राही होता है, इसकी विशेषता, हे भगवान, दोबारा फिर वो चीजें आ गई। ठीक है, काफी उठपटांग है। तो इसके अंदर आप इतना ही समझ लीजिए, सह विकल्प जिसके फीचर के बारे में हम जानते हैं, उसकी सभी विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं, तो उसको हम अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इनके बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे ना, तो दोस्तों भारतीय दर्शन हमारा 1 महीने में जाके कंप्लीट होगा। मैं आपको यहाँ पे केवल बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, और हमें बहुत ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। और जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी वहां पे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने एनालिसिस किए हुए हैं, तो मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप हमें जरूर 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 बताना, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिए यार, और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों आगे हम नंबर दो पे बात करते हैं, अनुमान की बात करते हैं, और अनुमान को हम इंग्लिश में इन्फ्रेंस कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि प्रत्यक्ष को लेकर जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसको हम अनुमान कहते हैं। अब देखिए प्रत्यक्ष हमने क्या किया था,
हमने देखा कि आग जल रही है, यानी कि जहां पे धुआं है वहां पे आग होती है। इससे हमने एक उदाहरण क्रिएट कर लिया कि जहां जहां पे धुआं जलेगा वहां पे हमारी आग होगी। इससे हमने अनुमान लगाना शुरू कर दिया चीजों का, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुमान कहेंगे। अब देखिए, हमने बराबर देखा कि जहां धुआं रहता है वहां आग रहती है, तो इससे हमने क्या है, अनुमान लगाया ना किसी चीज का, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुमान कहेंगे। इसी को न्यायिक व्याप्ति ज्ञान कहते हैं, जो अनुमान की पहली सीध ही मानी जाती है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये धुआं उठ रहा है, हम यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पे आग हो सकती है। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ और वजह से धुआं उठ रहा हो, क्या कि हो सकता है आर्टिफिशियल किसी मशीन से धुआं क्रिएट किया जा रहा हो, आग ना लग रही हो, लेकिन हमने यहाँ पे अनुमान लगाया है ना कि यहाँ पे आग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे धुआं है और धुआं हमने प्रत्यक्ष रूप से एक चीज में देखा था, वहां पे धुआं था और वहां पे आग जल रही थी। यहाँ पे हम वही अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन ये अनुमान हमारा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अनुमान तो अनुमान होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुमान कहेंगे। अब यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अनुमान के अंदर हमारी कितनी चीजें आती है, पांच तरह की चीजें आती है अनुमान के अंदर। ये पांचों के पांचों चीजें आप अच्छे से कर लेना, ये चीजें हमने ऊपर भी की थी। नंबर एक पे आती है प्रतिज्ञा आती है दोस्तों, और प्रतिज्ञा को हाइपोथेसिस भी कहते, साध्य का निर्देश करने वाला, अर्थात अनुमान से जो बात सिद्ध करना है उसका वर्णन करने वाला वाक्य क्या कहलाता है, प्रतिज्ञा कहलाता है। यानी कि जो बात हमें सिद्ध करनी है उसके लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पर आग है, यहाँ पर आग है, ये क्या हुआ दोस्तों, ये हमारी प्रतिज्ञा है। ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पर आग है, इसी से हम सिद्ध करेंगे ना किसी चीज को, तो ये क्या होगी, हमारी प्रतिज्ञा हो गई। ठीक है, अनुमान से जो बात सिद्ध करना है उसका वर्णन करने वाले वाक्य को हम प्रतिज्ञा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप इंग्लिश में देखना प्रतिज्ञा लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको याद होना जरूरी है। इंग्लिश हिंदी दोनों में जो वर्ड है थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं हेतु। हेतु क्या होता है, हेतु को इंग्लिश में हेतु ही कहा जाता है, और ऐसे ही हमारा क्वेश्चन आता है, जिस लक्षण या चिन्ह से बात प्रमाणित की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, हेतु बोलेंगे। जिसके द्वारा, जिस लक्षण के द्वारा, जिस साइन के द्वारा किसी बात को प्रमाणित किया जाए। जैसे क्योंकि यहाँ धुआं है, यहाँ पे आग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धुआं है, तो धुआं क्या हो गया, हमारा हेतु हो गया, जिसको जिसके द्वारा हम किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेतु कहेंगे। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं उदाहरण की, बात करते हैं नंबर तीन पे। उदाहरण के बारे में हमने बात की थी कि हम किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसका हमें ज्ञान हो जाता है, और उसी चीज को हम फिर दूसरी जगह पे लागू करते हैं और वहां पे अनुमान लगाते, भाई हाँ यहाँ पे ये चीज हो सकती है। तो जो हमने अनुमान लगाया है तो उसे हम क्या कहेंगे, उदाहरण कहेंगे। जैसे जहां जहां पे आग होती है वहां पे धुआं होगा, तो जो धुआं है ना, धुआं क्या है कि उदाहरण हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, कि जहां जहां पे धुआं होगा वहां पे आग होगी, तो ये क्या होगा, हमारा उदाहरण हो जाएगा। जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां आग रहती है, जैसे रसोई घर में। ठीक है, तो ये हमारा जो धुआं है, धुएं को हमने एज ए उदाहरण मान लिया, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। उपनय, उपनय की हम बात करते हैं, जो वाक्य बतलाए हुए चिन्ह या लिंग का होना प्रकट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम उपनय कहेंगे। यानी कि जिसके द्वारा हमें पता चले, जो ये बतलाए, जो वाक्य बतलाए हुए चिन्ह या लिंग का होना प्रकट करे। जैसे कि यहाँ पर धुआं है, यहाँ पर क्या है, धुआं, ये क्या हुआ, हमारा उपनय हुआ, यहाँ पे धुआं है। और आगे हम बात करते हैं निगमन। निगमन के अंदर क्या होता है, सिद्ध की जाने वाली बात सिद्ध हो गई हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, निगमन कहेंगे। यानी कि बाद में हमने देखा भाई रसोई घर के अंदर धुआं है, ठीक है, वहां पे हमें जब बाद में पता चला हाँ भाई रियल में यहाँ पे आग लगी हुई थी, तो वो क्या हो गया, हमारा निगमन हो गया। यानी कि जो बात हमारी सिद्ध हो जाए, रिजल्ट निकल जाए, निष्कर्ष निकल जाए, उसको हम क्या कहेंगे, निगमन हम उसको बोलेंगे। अनुमान के भेद क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, अनुमान के क्या क्या भेद हो सकते हैं। न्याय दर्शन में अनुमान के तीन भेद बताए गए, कौन कौन से बताए गए हैं, हमारा पूर्ववत है, शेषवत है, और एक और है हमारा, नंबर तीन पे एक और है हमारा, सामान्य तो दृष्ट। ठीक
ठीक है, ये तीन, इन तीनों के बारे में बात करते हैं और इसमें से हमारा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों एग्जाम के अंदर, तो ये टॉपिक हमारे लिए करना जरूरी है। देखिए अनुमान के भेद कौन कौन से होते हैं। नंबर एक पे है पूर्ववत, यानी कि कारण से कार्य अनुमान, जैसे मेघ से भावी वृष्टि का। पूर्ववत यानी कि हमें किसी चीज के बारे में पहले ही आभास हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ववत कहेंगे। जैसे कि बादल गरज रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ आज बारिश होने वाली है, हमने पहले ही उसका भविष्य निर्धारित कर दिया ना कि क्या होने वाला है, पहले ही हमने उसके बारे में अनुमान लगा लिया किसी चीज के बारे में, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ववत इसको हम बोलेंगे। शेषवत, शेषवत के अंदर क्या होता है, जिसके द्वारा हम कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई बात होगी ठीक है, और उसका शेष क्या बचता है, निष्कर्ष क्या बचता है, उससे हम कोई चीज का रिजल्ट निकालने की कोशिश करते तो उसे हम क्या कहेंगे, शेषवत कहेंगे। कार्य से कारण का अनुमान, जैसे प्रवाह की पूर्णता। अब देखिए इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए ये हमारा 11 नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आया है ये देखिए। तालाब का पानी मटमैला है ठीक है, तालाब का पानी कैसा है, मटमैला है, यानी कि वो मैला कुचैला है। विगत रात अवश्य बारिश हुई होगी। अब यहां से हमने क्या है कि एक आंसर निकालने की कोशिश की है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि तालाब का जो पानी है ना वो मटमैला है, तो हो सकता है यहाँ पे हमारी बारिश हुई हो। तो यहाँ पे किस तरह का हमारा अनुमान लगा है, शेषवत अनुमान यहाँ पे हमारा लगा है, यानी कि उससे हम किसी रिजल्ट निकालने की कोशिश किए, कोई चीज घटित होगी तो उससे ये हो सकता है, तो इसका उदाहरण ये है। और एक और मैं उदाहरण इसका दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा आएगा तो इसका, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और भी हम आपको दिखाएंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों सामान्य तो दृष्ट, इसके अंदर क्या होता है कि कार्य कारण भाव का नियमन होने पर भी, जैसे एक स्थान में देखे गए पदार्थ की अन्य स्थान में सामान्यता देखना, यानी कि एक जगह पे हमने कोई चीज देख ली और उसी को दूसरी जगह पे हम समान करने की कोशिश करते हैं, उनको एक जैसा मानने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, सामान्य तो दृष्ट वहां पे माना जाएगा। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। इस सहचर नियम के आधार पर प्रातः पूर्व में देखे गए सूर्य को सायंकाल पश्चिम में देखकर सूर्य के पूर्व से पश्चिम जाने का अनुमान होता है। अब देखिए सरों के अंदर सूर्य उगता हुआ देखते, धीरे 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 लाइट तेज होती है, उसी तरीके से जब इवनिंग को देखते हैं सूर्य डूबता तो धीरे 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 लाइट बिल्कुल कम होने लगती है। तो वहां पे क्या है कि हमने दो चीजों को कंपेयर करके देखा है ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हमारा सामान्य तो दृष्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, देखिए पूर्ववत हो गया, शेषवत हो गया, सामान्य तो दृष्ट हो गया, इनको भी आप देख सकते हैं आसानी से। आगे हम नंबर 3 पे बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है उपमान, यानी कि कंपैरिजन करना किसी चीज का, दो चीजों का कंपैरिजन करके किसी चीज का जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे। गौतम का तीसरा प्रमाण उपमान है, किसी जानी हुई वस्तु के सादृश्य से नए जानी हुई वस्तु का ज्ञान करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे, कंपैरिजन कहेंगे। अब देखिए जैसे नील गाय के सदृश्य होती है, नील गाय किसके सादृश्य होती है, गाय के सादृश्य होते हैं। नील गाय आपने देखी होगी जो थोड़ी नीले नीले रंग की होती है, वो कैसी होती है, वो हमारी गाय के जैसी होती है। अब मान के चलिए हम किसी को बता रहे हैं कि नील गाय कैसी होती है, अब जैसे आप में से भी काफी लोगों को नहीं पता होगा कि हमारी नील गाय कैसी होती है, तो उसको भी हम क्या कह रहे हैं, उसको भी हम कंपैरिजन करके बता रहे हैं, जो नील गाय होती है ना वो गाय के जैसी होती है, उसके भी क्या है, चार टांगे होते हैं, पूंछ होती है, और वो उस पर बहुत ज्यादा बाल नहीं होते शरीर के। आप ये मान के चलिए कि गाय जो होती है ना गाय के जैसी ही होती है। अब ठीक है मैं आपको भी बता रहा हूँ ना कंपेरिजन करके, तो यहाँ पे किसी देखी हुई चीज को देख के, यानी कि जो चीज हमें पहले से पता है उसके द्वारा हम किसी और अन्य चीज को जानने की कोशिश करें तो उसे हम क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे, कंपैरिजन उसको बोला जाएगा ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि उपमान मीन्स कंपैरिजन एंड एनालॉजी, और इसमें से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, एक मैंने वीडियो बनाई हुई है 2-3 दिन पहले, वो आप वीडियो जरूर देखना, इसमें से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपको पता चल जाएगा। हिंदू स्कूल कंसाइडर इट इज एज ए प्रॉपर मीन ऑफ नॉलेज, इसको हिंदू स्कूल ने प्रॉपर मीन ऑफ नॉलेज माना है।
द सब्जेक्ट ऑफ कंपेरिजन इज फॉर्मली कॉल्ड उपमेयम, ठीक है, इसको उपमेयम बोला जाता है। द सब्जेक्ट ऑफ कंपेरिजन इज कॉल्ड उपमान, इसका जो सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको उपमान बोला जाता है। व्हाइल द एट्रीब्यूट्स आर आइडेंटिफाई एज सामान्य, इसको क्या बोला जाता है, सामान्य बोला जाता है। ये चीजें भी आप देख लेना। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ हमारा, 12 नवंबर 2020 को क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय तर्कशास्त्र में ज्ञान के किसी साधन से दो वस्तुओं के बीच समानता प्राप्त की जाती है, यानी कि जिसके अंदर जानबूझ के किसी दो चीजों के बीच में समानता प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तुलना, यानी कि कंपैरिजन हम उसको बोलेंगे। यही चीज तो हमने की थी ना, कि जो चीज हमें पता है उसके द्वारा हम किसी अन्य चीज के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश करते, समानता देखने की कोशिश करते, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, कंपैरिजन हम उसको बोलेंगे, तुलना हम उसको बोलेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल आसानी से इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम शब्दों के द्वारा किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें कोई एक्चुअल में फिगर दी हुई होती है, उस फिगर पे हम विश्वास कर लेते हैं, हाँ भाई ये चीज बिल्कुल सही होगी। अब देखिए किसी ने कोई बात कह दी है, उसकी बात पे, अब जैसे मान के चलिए कि मैथ का कोई फॉर्मूला दे दिया जाता है हमें, तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, हाँ भाई ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से निकलेगा। जैसे कोई बहुत बड़े टीचर आ जाए, वो हमें कहे कि ये लो ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन निकलेगा, तो उनकी बात पे हम विश्वास कर लेते हैं। हम पहले ये चेक नहीं करेंगे कि हाँ आपने फॉर्मूला सही बनाया या गलत बनाया है, गलत तो नहीं बनाया आपने ये फॉर्मूला, हम चेक नहीं करते। चेक करने में हो सकता है हमें 1 महीना लग जाए, उसको प्रूव करने में 1 महीना लग जाए, लेकिन हम उस उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं, उस फॉर्मूले पे विश्वास कर लेते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे, शब्द प्रमाण कहेंगे। अब एक और इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे कोई वैज्ञानिक हमें कहे कि पृथ्वी और चांद के बीच दूरी 384,400 किलोमीटर है, तो हम उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, शब्द प्रमाण हमारा हो जाएगा। अब देखिए नंबर 5 पे दोस्तों हमारे पास अर्थापत्ति है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम किसी चीज को देख के उसकी स्थिति का अनुमान लगा के किसी चीज के बारे में रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, उसके पूरे एनवायरनमेंट को देखते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, और फिर हम अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, भाई इसका कहने का मतलब क्या हो सकता है और इसका क्या मतलब हो सकता है, ये क्या अर्थ हो सकता है इसका। अब देखिए इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, और ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर आ चुका है, और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे देव देवदत्त दिन में कुछ भी नहीं खाता, फिर भी बहुत मोटा है। अगर मैं आपको कह दूं भाई मैं ना दिन में कुछ भी नहीं खाता, या फिर ये कह दे कि जो देवदत्त है ना, ये देखिए ये जो हमारा मोटू पतलू है, इसके बारे में आप जानते होंगे, कि हम कह दे कि जो ये मोटू है ना, दिन में कुछ भी नहीं खाता, फिर भी बहुत मोटा है ये, तो फिर हम इससे अर्थ क्या निकालेंगे, क्या अर्थ निकालेंगे, कि ये फिर जरूर रात को भोजन करता होगा, रात को बहुत खाता होगा। तो यहाँ पे हमने क्या अर्थ निकाल लिया, कि कोई व्यक्ति अगर दिन में खाना नहीं खा रहा है, फिर भी वो मोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो रात को भोजन करता होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अर्थापत्ति हो जाएगा, यानी कि किसी चीज का हम अर्थ निकाल रहे हैं। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था हमारा 12 नवंबर 2020 को, क्वेश्चन आया है ये। इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आया है, किस तरह से इन्होंने पूछा हुआ है। कक्षा कक्ष में अनिल की सहभागिता उदासीन है, यानी कि जो अनिल है वो बहुत ही नर्वस रहता है, उसके माता पिता भी उसे स्क्रीन नहीं मानते, उसके माता पिता भी उसको स्क्रीन एक्टिव नहीं मानते, परंतु परीक्षा में उसका प्रदर्शन अच्छा से लेकर उत्कृष्ट रहा है, यानी कि लेकिन उसके बावजूद भी वो परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, अतः वह चुपके से एकांत में जरूर पढ़ता होगा। अब देखिए हमने आंसर निकाला ना, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, कि जो अनिल है ना, अनिल क्लास के अंदर बिल्कुल चुपचाप रहता है और नर्वस सा रहता है, किसी से बोलता नहीं है, उसके माता पिता भी कहते कि ये एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमेशा उसके एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों, कि हमने क्या इसका अर्थ निकाला, इसका अर्थ हमने ये निकाला कि वो फिर चुपचाप होके पढ़ता होगा, आसानी से पढ़ता होगा, वो चुप रहा,
चाप रह के एकांत में पढ़ता होगा। यहाँ पे हमने क्या अर्थ निकाल लिया ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अर्थापति हमारा ये आंसर हो गया। और ये देख लीजिए 12 नवंबर 2020 को क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आसानी से आप यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारी ऐप के अंदर, आप हमारी ऐप निमीज नेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों हमने 2012 से लेके 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज अलग अलग किए हैं। जैसे कि आज तक जो भी हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के अलग अलग क्वेश्चन किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये थ्योरेटिकल नोट्स भी देते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी चलिए आगे हमारे पास नंबर 6 पे अनुपलब्धि है, यानी कि अभाव। अभाव में हम किसी चीज का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां पे क्या होगा, अनुपलब्धि या अभाव होगा। इसके अंदर देखिए इसके अंदर क्या होता है हमारा, अब यहाँ पे हिंदी में मैंने दिया हुआ है, देखिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जब किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता तब वह वस्तु नहीं है, इस प्रकार उस वस्तु के अभाव का ज्ञान हमें होता है, यानी कि कोई चीज हमें दिख नहीं रही है। अब जैसे मान के चलते एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं, मान के चलिए कि एक स्टूडेंट है, अनिल नाम का स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट हम लेके चलते हैं। ये स्टूडेंट डेली क्लास के अंदर आता है, अच्छे से बात कर, मान लो डेली क्लास के अंदर आता है, अच्छे से काम करता है, लेकिन मान के चलिए एक दिन ये ना आए, इसका अभाव हो गया ना, एक दिन ये ना आए तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि यार हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, यार ऐसा तो वो लड़का नहीं है कि छोटी मोटी बात के लिए रह जाए, जरूर कोई ना कोई जरूर बात होगी, बड़ी बात होगी, ठीक है। उसके अभाव में हमने क्या है, रिजल्ट निकालने की कोशिश की है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाव हम उसको कहेंगे। और इसके अंदर क्या है कि इस अभाव का ज्ञान इंद्रिय संनिष्कर्ष आदि के द्वारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंद्रिय संनिष्कर्ष भाव पदार्थों के साथ होता है, इसके द्वारा हम सेंस के द्वारा हम नहीं कर सकते, बट उसका अभाव होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता, तब हम उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे हमारे टीचर के पास पैसे नहीं है, हमें अभाव का पता चला, इससे हम और भी बातें जान सकते हैं अब कि इसलिए वो हमें अच्छे से नहीं पढ़ा रहा। अब मान के चलिए कोई टीचर है, उसे कम पैसे दिए जा रहे हैं और हमें पता चले कि ये जो टीचर है ना वो सही से नहीं पढ़ा रहा, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे, ये यार इसलिए अच्छे से नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इसे मैनेजमेंट द्वारा बहुत ही कम पैसे दिए जा रहे, तो अच्छा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में इसका। तो यहाँ पे हम किसी चीज का अभाव होने की वजह से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाव कहेंगे। और दूसरा क्या कहेंगे, उसे अनुपलब्धि कहेंगे, किसी चीज के उपलब्ध ना होने की वजह से जो हम रिजल्ट निकाले उसे हम क्या कहेंगे, अनुपलब्धि कहेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर देख सकते हैं, और ये जो हमारा मीनिंग हम निकालते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो ये देखिए दोस्तों हमने पूरा प्रमाण कर लिया है, लगभग जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर वो मैंने आपको हर पॉइंट के साथ, हर टॉपिक के साथ दिखाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई सवाल जवाब है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, हमने सारी की सारी चीजें कर लिए है, प्रत्यक्ष कर लिया, अनुमान कर लिया, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको करवाई है। और साथ ही साथ मैंने आपको सभी क्वेश्चन भी दिखाए, 2020 में जो जो क्वेश्चन हमारे आए हैं वो मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं। इसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग के और भी बहुत से टॉपिक है हमारे, जैसे वेन डायग्राम हो गया, हमारी डेफिनेशन होगी, हमारी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होगी, तो उसके भी हमारे इसके अंदर क्वेश्चन है। ये देखिए ये हमारा, ये देखिए विरोधी विरोधाभासी, ये हमारा वो है जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है ना, ये देखिए कंट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब अल्टर्न, ये भी हमारे क्वेश्चन इसके अंदर है। तो दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ये
नोट्स ले सकते हैं, हमारे क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आप बताइए कि क्या हमारा ये तरीका है पढ़ाने का, ये तरीका सही है या नहीं है। तो दोस्तों आप सभी के कॉमेंट का मुझे जरूर जरूर इंतजार रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।